सबसे सस्ता पेट्रोल ईरान में जो कि 3-4 रुपए लीटर मिलता है। 3-4 रुपए लीटर, हाँ वो भी मैंने देखा। गाड़ी में एवरेज क्या थी? इनके इंट्रो से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, ये मेरे को पहली वीडियो से मैसेज कर रहे हैं और मैं इनको ऑन कैमरा सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि इनको सबसे लास्ट में मैं मिल पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच आपका, थैंक्स अ लॉट सर। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। वैसे तो सबको पता ही आज क्योंकि आप इस वक्त इतनी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कब माइंड में आया ये कैन टू इंडिया बाय रोड? माइंड में सर देखिए, मैं जब बचपन में था ना तभी से एक माइंड में ख्याल रहते हैं हम लोगों के, कभी किसी को किसी चीज का शौक होता है तो कार्स का और घूमने का शौक मेरे को बचपन से ही था। बट स्पेसिफिकली ये वाला ट्रिप जो है ना मैंने 2.5 साल पहले प्लान किया था। तो मैं 18 फरवरी 2021 को पहली ईमेल डाली गई थी मेरी कार्नेट कंपनी को। कार्नेट कंपनी वो होती है जो गाड़ी के पासपोर्ट और वीज़ा से मांगती है बेसिकली। तो वो डेट थी जिस दिन मैंने पहला स्टेप अपना उठा लिया था कि मेरे को ये ट्रिप। तो क्योंकि मैं ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा शौकीन हूँ और उसके साथ साथ कारों का भी बहुत बड़ा शौकीन, तो दोनों ही चीज़ें आपके साथ मैच हो रही हैं इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे मिलना चाहा। तो एक क्वेश्चन ये है, हालांकि बहुत बेस्ट कार है, बहुत आइकॉनिक कार है क्योंकि इंडिया में नहीं है, फॉर इंडिया इंडिया से आपको पता सबको पता जा चुकी है, फोर्ड ब्रोंको ही क्यों? मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। मेरे पास पिछले 7 सालों से फोर्ड ही चल रही है, इससे पहले जो थी फोर्ड एंडेवर थी जो कि यहाँ पर आपने शायद एवरेस्ट के नाम से देखा है, ठीक है ना? इंडिया में भी एंडेवर के नाम से है। हाँ, एंडेवर के नाम से है ना, पर मेरी एंडेवर नहीं थी, मेरी एक्सप्लोरर थी, एक्सप्लोरर ठीक है ना, वो 7 सीटर कार थी। तो काफ़ी टाइम से मैं मतलब इन कार्स बल्कि कार्स के ऊपर बहुत मतलब मेरे को बहुत विश्वास था। इसकी कहानी ही डिफरेंट है, वो मैं चैनल पे नहीं बताऊंगा, अगर आप गूगल करेंगे ना तो ये कार 1961 में बेसिकली लॉन्च हुई थी, 1965 अराउंड में जहां तक मैं जानता हूं, अगस्त 1965 हां उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी और 3-4 सालों में इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि फोर्ड का नाम बदनाम होना शुरू हो गया था, ये कुछ गैंगस्टर्स के बीच में चली गई थी। फिर 80s में फिर लॉन्च हुई थी, फिर 5-6 साल में बंद कर दी गई थी और इस बार 2001 में फिर लॉन्च करी गई है विद अ डिफरेंट शेप और थोड़े अच्छे उसके साथ। तो इसका तो दिमाग में शुरू से ही था मेरे, ये लॉन्च होगी तो ये लूँगा। मेरा जो ट्रिप प्लान था वो फोर्ड एक्सप्लोरर पे स्टार्ट हुआ था बेसिकली, बट जब ये लॉन्च होगी तो मैंने फटाफट, क्योंकि मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा और भी ट्रेंडिंग में गाड़ियाँ हैं बहुत बहुत आइकॉनिक, जैसे जी वैगन, हमर, लाइक हमर के साइज की ही लगभग ये गाड़ी है और आपकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल सेम टू सेम डिटो सूट करी है। बल्कि मैं तो पर्सनली कहना चाहूँगा अगर फोर्ड से कोई देख रहा है ना तो प्लीज़ कम बैक टू इंडिया और सर को ब्रोंको के साथ लॉन्च करें और सर को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए इंडिया का, बिल्कुल, अगर कोई फोर्ड से देख रहा है तो। ठीक है सर, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे ज़्यादा जो आपका ट्रिप पर मेमोरेबल पॉइंट रहा वो क्या रहा? मैं ना आपको उस हिसाब से बताता हूँ कि सुंदर जो मेरे को लगा, जो दुनिया सोचती है कि पेरिस वगैरह कभी वहाँ पर आई फिल वगैरह, नहीं मेरे को वो भी अच्छा लगा सोच के मैं भी निकला था। स्विट्जरलैंड लोग कहते हैं कि जन्नत है बेसिकली, ठीक है ना, नो डाउट जन्नत है, मेरे को वो भी अच्छी लगी। बट इन सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को लगा क्रोएशिया। अगर कोई मेरी बात सुन के क्रोएशिया जाना चाहता है तो 100% क्रोएशिया जाओ। क्रोएशिया में एक सिटी है उसका नाम है डुब्रोवनिक, वहाँ पर जाओ, गेम ऑफ थ्रोन्स के जो दीवाने हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे इससे कि वो कितना सुंदर एरिया। फिर अगर आप देखें तो ईरान में बहुत अच्छा वेलकम मिला मेरे को, ईरान में बहुत मेहमान नवाजी मिलती है वहाँ पर, खाने पीने को कुछ पैसे ही नहीं ले रहा मेरे से, वो देख रहे हैं कि भाई एक सरदार आया है, गाड़ी डिफरेंट है, तो बहुत ही मतलब प्यार से उन्होंने रखा। फिर आ जाता है पाकिस्तान, हम लोगों के माइंड में पाकिस्तान से ना एक थोड़ा सा डिफरेंट इशू शुरू हो जाता है। बट आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नेगेटिव थॉट्स है वो, देखो पॉलिटिकल लेवल को हम साइड पे रख देते हैं, बट पाकिस्तान अगर आप सर के अलावा मेरे चैनल पे देखेंगे जो मैंने पाकिस्तान के गुरुद्वारा साहब के ब्लॉग बनाया ना, आप देखेंगे कि इतना प्यार मिला वहाँ पर कि एक कहते हैं ना कि मैं वहाँ पे
कर्जदार होके आ गया हूँ कि भाई मैं कर्जा कैसे उतारूंगा। मैंने आपको देखा भी था, बाकी में बहुत मेमोरेबल पॉइंट था वो जी। फिर इंडिया आके तो आप लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे कैसा प्यार मिल रहा है। हम लोग तो बिल्कुल दाव लगाए बैठे थे कि कब सर इंडिया एंट्री मारे और हम लोग मिले। इंडिया तो अपना शहर अपना मुल्क है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि एक कार लवर के लिए करने का करने लायक नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऑडियंस के लिए करना चाहूंगा। और मैं सुन सुन के भी, अगर बेसिकली मैं सुन सुन के थक गया हूँ, तो आप तो कर करके मतलब बता बता के थक गया हूँ, और बताने वाला है भी नहीं। जी। गाड़ी ने एवरेज क्या थी? कितना देती है? सर गाड़ी की एवरेज आ रही है तकरीबन 7 से 8। पेट्रोल डीजल? पेट्रोल है सर। पेट्रोल सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ मिला? सबसे महंगा पेट्रोल यूरोप के अंदर कुछ शहरों में, जो कि इंडियन रुपीस में 230 रुपए पर लीटर थे। ये क्वेश्चन भी मैंने इसलिए करा क्योंकि कई बार मैं सुन चुका हूँ। सबसे सबसे सस्ता पेट्रोल ईरान में, जो कि 3-4 रुपए लीटर में, 3-4 रुपए लीटर, हाँ वो भी मैंने देखा। अच्छा, क्योंकि लेफ्ट ड्राइव है जी, दिक्कत तो कहीं आई नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं आई। और अगर इंडिया वाला फील आया होगा तो आपको यूके में आया होगा? सर इंडिया वाला फील मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, यूके में भी मैंने 600 किलोमीटर यूके की कार चलाई थी, क्योंकि ये गाड़ी आई थी लिवरपूल में, मेरी फ्लाइट गई थी हीथ्रो पे, वो 600 किलोमीटर दूर है, तो मैंने वहाँ की कार रेंट करी। वो राइट हैंड साइड ड्राइव थी, बट चलती लेफ्ट हैंड साइड पे थी, मतलब आधा इंडिया वाला स्टाइल है और आधा उनका स्टाइल है, ठीक है ना, कंबाइन है वो। तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा टफ लगा था 600 किलोमीटर चलाना। बट जैसे ही मैं अपनी कार के ऊपर आ रहा है, उसके बाद लोग पूछते हैं कि इंडिया में दिक्कत नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं आ रही, मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस लेफ्ट हैंड ड्राइव चला। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जहाँ आजकल के टाइम में हम अपने फ्रेंड सर्कल में प्लानिंग करते हैं कि दिल्ली टू गोवा चलेंगे, फिर प्लानिंग होती है कि टिकट्स कराते हैं, जो रियल ट्रैवलर है ना और रियल कार लवर्स हैं, वो इस चीज़ की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करते कि कितनी दूर है और ड्राइव कौन करेगा। सर बिल्कुल ऐसा ही, अगर हम लोग कुछ प्लान करते हैं ना, तो अगर प्लान हो भी जाता है तो फिर सारे फ्रेंड्स में ये होता है कि ड्राइव कौन करेगा, तो कुछ एक दो को चुना जाता है, उनमें एक मेरी भी कैटेगरी आती है, मतलब मुझे भी चुना जाता है कि हाँ भाई एजाज गाड़ी इस गाड़ी चला लेगा। तो जो रियल ट्रैवलर है वो इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। इंस्पायर होइए सर से आप कि कनाडा टू इंडिया बाय रोड आए हैं, बहुत से भी हैं कि लंदन टू इंडिया बहुत आए हैं, लेकिन कनाडा टू इंडिया फर्स्ट, और भी हैं, लेकिन जो जिस गाड़ी के साथ ये आए ना, मोस्ट आइकॉनिक कार, कुछ ही कार लवर्स हैं जो इस गाड़ी के बारे में जानते हैं और दिल से जानते हैं इस गाड़ी की हिस्ट्री। वाकई में बिल्कुल एंटीक कार लेकर के आएँ, और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई फोर्ड से देख रहा है ना, और अगर इंडिया में आप लेकर आएँ, बल्कि आएँ क्या, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ बिल्कुल इंडिया में अपनी प्रेजेंटेशन दो और एंट्री मारो ब्रोंको से, और ब्रांड एम्बेसडर सर होंगे मिस्टर जसमीत सानी सर। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है फोर्ड वालों से। तो सर गाड़ी के स्पेसिफिकेशन थोड़े से एक राउंड फिगर में शॉर्ट में बताइए। सर ये 2.7 लीटर इको बूस्ट इंजन है, बेसिकली 2700 सीसी के लिए, 2097 वो हाँ इसका एक्स्ट्रा V6, ये V6 है, V8 में भी आता है, और इसके नाम इसका स्पेसिफिकली नाम है आउटर बैंक्स। इसके ऊपर भी दो वर्जन आते हैं, इसके नीचे भी दो वर्जन आते हैं, और सॉफ्ट टॉप है, सॉफ्ट टॉप इसलिए चूज करा था कि यहाँ पे बैठ के नज़ारे लेने हो, ट्रैवलिंग का मजा लेना है, जगह जगह एग्जैक्टली, क्योंकि आपको आराम से बैठ के कॉफ़ी पीनी है, अंदर गाड़ी के बैठो, सॉफ्ट टॉप खोल लो, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। और पेट्रोल इंजन आपको पहले ही बता दिया, बाकी सारी की सारी स्टॉक है गाड़ी, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने टायर एक्स्ट्रा लगवाए, क्योंकि 19,000 किलोमीटर बेसिकली ना, अगर देखा जाए हम सबकी गाड़ियों में 19,000 किलोमीटर हम चल चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, बट एवरी डे अगर आपको 700-800 किलोमीटर चलाने हो तो 19,000 ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए थोड़े से स्टेबिलिटी, थोड़े बढ़िया टायर लेने थे मेरे को। और ऑब्वियस रीज़न है, रस्ते में जब मैंने इतनी रिसर्च करी तो मेरे को पता था कि कहाँ पर ऑफ रोडिंग आनी है, पत्थर वाला रास्ता आना है, और कहाँ पर सैंड ड्यून्स आनी है, तो वो फुल प्लान था पहले, फुल प्लान करके इसलिए स्पेसिफिकली ले टायर। सर क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे हैं, और मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है कि आप बहुत देर से अभी शूट कर रहे थे और थक गए होंगे आप, तो ज़्यादा क्वेश्चन ना कर करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सर की आइडियाज़ हैं मैं आपको दिखा दूँ, अगर और भी सर को एक्सप्लोर करना है तो जो रह गया है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कोई रह गया होगा, अगर कोई फिर भी रह गया है तो सर को फॉलो कर सकते हैं, सर की आइडियाज़ हैं, क्योंकि इंडिया में टिकटॉक है नहीं, इंस्टा पे सानी डॉट फैमिली, यूट्यूब पे सानी फैमिली, और जसू सानी
और सर बहुत हम्बल हैं, बहुत, बस मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं, शायद अल्फाज भी बहुत छोटे पड़ जाए मेरे पास। ये सर का जो मैप है सर, एक बार थोड़ा सा यहाँ से बता दीजिए। तो सर कहाँ से आपकी ट्रिप, आप बेसिकली कनाडा में कहाँ से हैं? मैं टोरंटो के साथ एक शहर है ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन जी, टोरंटो। आपने गाना सुना है ब्रैम्पटन विच मुंडा रहता है? सुना है सर, बिल्कुल सुना। वो वहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, हैलीफैक्स तक मैंने ड्राइव करी थी जी। फिर शिप कराई थी गाड़ी यूके में, यूके के बाद मैं क्रूज के अंदर फ्रांस पहुंचा, फिर सारा यहाँ पर यूरोप का मैप है जी। यहाँ पर थोड़ा सा डिटूर लिया गया था जी, ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, फिर मॉन्टीनेग्रो, फिर यहाँ पर गया कोसोवो में, फिर सर्बिया, फिर बुल्गेरिया, टर्की, नॉर्थ मैकेडोनिया, हाँ, पाकिस्तान और फिर इंडिया में आया। सबसे ज्यादा टाइम आपका कौन सी कंट्री में निकला, सबसे ज्यादा दिन? सबसे, अब इंडिया दिल्ली में हो चुके हैं, ये तो लास्ट हो गया, ये तो लास्ट हो गया। मैंने 9 days ईरान में करे थे और 10 days पाकिस्तान में। कोई इशू की वजह से या वैसे ही? पाकिस्तान नहीं, ईरान में 9 days का रीजन है कि ईरान में देखने लायक वो चीजें हैं और काफी बड़ा एरिया है साइड टू साइड जाना। अच्छा। पाकिस्तान में जो है ना, वहाँ पे जो शुरू का एरिया आता है जब हम ईरान से पाकिस्तान एंटर करते हैं, वहाँ पर एरिया आता है बलूचिस्तान, वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, हमारे साथ हमेशा सिक्योरिटी रहती है। वो जो एक्चुअली 1000 kilometers है वो हमें नहीं पता कि हमने एक दिन में कवर करना है, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। तो मेरे पास 10 दिन का समय था, 5 दिन मेरे वहीं पर ख़राब हो गए, तो मेरे पास सिर्फ 5 दिन थे बाकी का पाकिस्तान में। एक क्वेश्चन है मेरे पास जो शायद अभी तक मैंने नहीं देखा कि आपसे किसी ने करा, मेरे माइंड में आ रहा था, और ये जो आपने हैलीफैक्स से अपनी शिप कराई थी गाड़ी, इसमें आपको कितना टाइम लगा? ओके, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो ये शिपिंग होती है ना, इसके अंदर एज अ पैसेंजर जाना अलाउड नहीं होता, तो बेसिकली ये 6 दिन का रूट होता है। अच्छा। बट 2 दिन यहाँ पर उनको सेटिंग करने में और 2 दिन यहाँ पर सेटिंग करने के लिए, तो टोटल 10 दिन बाद तो आप बाय एयर, फिर मैं फिर 9th day को बाय एयर चला गया था। अच्छा। और एक रात मैंने यहाँ पर रह के अगले दिन सुबह मैंने गाड़ी पिक करी और फिर मैं लिवरपूल चला गया। तो ये थे जसमीत सहनी, जो कि मैंने अभी बताई दिया आपको, कनाडा टू इंडिया आए हैं सोलो ट्रिप पर, और इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं पर्सनल इनसे स्पेशली मिलना चाहता था, तो ये शूट तो एक बहाना था, मैं पर्सनली भी इनसे मिलना चाहता था। और एक सर एक चीज़ हो रहा है जो मैं कैमरा पे कहना चाहूँगा, शायद आप वैसे वो ना करो, अगर आपको ठीक लगे तो मैं सर को अपने घर जब भी इनको मौका लगे लंच पे या डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ, अगर ये एक्सेप्ट करें तो। मैंने इनसे ना ऑफ दी कैमरा अपना ट्रिप थोड़ा शेयर करा हुआ, तो डेफिनेटली जो मैं आने वाले टाइम में ट्रिप करने लगा हूं, तब आपसे 100% सर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको टाइम मिले 100% मुझे जरूर आप 5 मिनट जरूर देना, जरूर सर, और 5 नहीं सर ज्यादा देंगे आपको 100%, मैं सच में बहुत बड़ा लवर हूं ट्रैवलिंग का, तो खास करके लंबी लंबी ट्रिप का, पता नहीं ये नसीब हमें होगी भी नहीं होगी, 100% होगी सर, पैशन अगर है तो आप मेरे से डिस्कस करना जरूर करेंगे, और आपको लवर तो है मिलेगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, मौका लगा तो एक बार कनाडा जरूर आएंगे। 100% थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।